लाला लारी अड्डा अंधेरे में डूब चुका। 3 दिन से ट्रांसफार्मर की खराबी की वजह से बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद। सदर अंजुमन ताजरान ने बताया कि बाबडा ऑफिस में बार बार शिकायत जमा करने पर भी बिजली बहाल ना हो सकी। जी बिल्कुल, बुआना का जो पुराना लारी अड्डा है उसकी जो बिजली है वो 3 दिन से बंद है, और ये बिजली ट्रांसफार्मर की जो खराबी है इसकी वजह से बिजली की जो सप्लाई है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। सदर अंजुमन ताजरान सरफराज जानी ने बताया कि वाबडा ऑफिस में बार बार शिकायत करने पर फिर भी पुराना लारी अड्डा की बिजली बहाल नहीं हो सकी। कारोबारी हजरात गर्मी की शिद्दत की वजह से दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। सदर अंजुमन ताजरान सरफराज जानी का कहना था, अगर आज 3रे दिन भी पुराना लारी अड्डा का ट्रांसफार्मर तब्दील करके बिजली बहाल ना की गई तो मजबूरन हम मार्केट बंद करके वाबडा ऑफिस बुआना में धरना देंगे। SDO बुआना से मुतालबा है कि फौरन नोटिस लिया जाए ताकि ताजरों का कारोबार फिर से बहाल हो सके। जी हरिपुर असिस्टेंट कमिश्नर की RTA के अहलकारों के हमरा गैर कानूनी अड्डा जात और जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी मिनी अड्डों का जायजा लिया और जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों को हिदायत की के इंतजामिया की तरफ से जारी करदा किराया वसूल करें। एस्ट्रोलॉजिस्ट अलियास वफूरी की पेशन गोई सच साबित हुई कि दुनिया के सारे पंडित और भगवान मिलकर भी कोशिश कर लें, भारत 2019 का वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, जिसका मुंह बोलता सबूत कल न्यूजीलैंड के हाथों भारत की शिकस्त है।